हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन बेस्ड है 2D पैरिटी स्कीम से। अभी हमने वो स्कीम देखी थी, अब उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2008 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। देखो, यहाँ पे आपको कहा है कि हम 28 बिट का डाटा भेजना चाहते हैं, जिसे 7 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है, D1 से D7 तक, और 4 रोज बनाई गई हैं, R0 से R3 तक। ओके, तो डाटा यहां से लेके यहां तक है और यहां से लेके यहां तक है। अब ये जो बचा हुआ कॉलम है, ये पैरिटी के लिए है, ये बची हुई रो भी पैरिटी के लिए है। यानी कि अगर हम इस पूरी रो की पैरिटी निकालें तो वो यहां पे लिखी हुई है, अगर हम इस पूरी रो की पैरिटी निकालें तो वो यहां पे लिखी हुई है। सिमिलरली कॉलम वाइज पैरिटी इस रो में लिखी हुई है। ओके, आपको कहा गया है अगर इवन पैरिटी स्कीम यूज हो रही है तो बताओ कम से कम कितने एरर्स होंगे इस डाटा में। अगर रिसीवर को ये डाटा मिल रहा है, कोई भी रिसीवर और ट्रांसमीटर का पेयर है, रिसीवर को ये डाटा मिला, ट्रांसमीटर ने पता नहीं क्या भेजा होगा। ओके, रिसीवर को ये मिला, हमने बताना है कि इसमें कम से कम कितने एरर्स हो सकते हैं। तो देखो, इवन पैरिटी यूज होने का मतलब इस कॉलम में इवन नंबर ऑफ वंस होंगे, यानी कि ये पैरिटी बिट ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ वंस इवन हो चुके होंगे। पैरिटी बिट ऐड करने से पहले टोटल नंबर ऑफ वंस चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ये पैरिटी बिट इसी तरह से ऐड की जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ वंस इवन बन जाए। अब देखो, यहां पे इवन नंबर ऑफ वंस ही रिसीव हुए हैं, यानी कि हो सकता है कि यहां पे एरर हो सकता है ना हो, हमें कुछ नहीं पता। बट क्योंकि हम मिनिमम नंबर्स ऑफ एरर निकालना चाहते हैं तो हम मान लेंगे कि यहां पे एरर नहीं है। ओके, ये सही से रिसीव हुई, तो यहां पे भी इवन नंबर ऑफ वंस है, यहां पे भी एरर नहीं है, यहां पे ऑड नंबर ऑफ वंस है, यानी कि पक्का इसमें एरर है, क्योंकि सेंडर ने तो ये डाटा ऐसे भेजा था कि नंबर ऑफ वंस इवन रहे। ओके, हर कॉलम में हर रो में। अब यहां पे 2 वंस हैं, इवन है, ठीक है, यहां पे भी इवन है, यहां पे ऑड है, मतलब इसमें भी पक्का एरर होगा। फिर यहां पे सही है, यहां पे एक ही है, एक है मतलब ऑड, तो इसमें भी एरर होगा। अब ये 3 कॉलम्स में पक्का एरर है, बाकियों में एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, अब देखते हैं रो वाइज, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 ऑड है, यानी कि इसमें भी एरर आया होगा। क्योंकि देखो, जब सेंडर ने ये डाटा भेजा होगा तो उसने इस पैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए देखा होगा 1 2 3 4 5, 5 वंस हैं, यानी कि पैरिटी बिट 1 होनी चाहिए। सेंडर ने यहां पे पैरिटी ऐसे लिखी होगी कि टोटल नंबर ऑफ वंस इवन बन जाए। ओके, बट हमें ऑड मिले हैं तो एरर है। 2 हैं, ओके, 1 2 3 4, 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 4 हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी जिनमें एरर हो सकता है। हम मान लेंगे कि इस स्पेसिफिक बिट में एरर है और वो बिट ऐसे चूज की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा रोज और कॉलम्स को एक ही टाइम पे ठीक किया जा सके। देखो, एक रो उठा लो और कोई भी एक कॉलम उठा लो, मैंने ये रो उठा ली जिसमें एरर है, और मान लो मैंने ये कॉलम उठा लिया, आप कोई भी कॉलम ले सकते हो, आप चाहो ये ले लो, आप चाहो ये ले लो। ओके, मान लो मैंने यही ले लिया या ये कॉर्नर वाला ले लिया, तो इनकी इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन मतलब ये बिट। ओके, अब मैं मान लेता हूं कि डेटा भेजते वक्त यहां पे एरर आ गया, यानी कि सेंडर ने एक्चुअली 1 सेंड किया था इस बिट पे, तो क्योंकि यहां पे 1 था तो 1 1, 2 वंस है मतलब इवन, तो ये एरर मैंने सही कर दिया। ओके, अब इसके बारे में भूल जाओ। सिमिलरली यहां पे भी इवन हो गए, पहले 5 थे, अब इसे मान के 6 आ गए, यानी कि ये रो भी हमने करेक्ट कर दी। अब फिर से यही सेम चीज करो, एक रो उठाओ जिसमें एरर है और एक कॉलम उठाओ, आप देख सकते हो कि ऐसी कोई रो बची ही नहीं जिसमें एरर है, तो डायरेक्टली एक कॉलम चूज कर लो और इसमें मान लो कहीं पे भी एरर आ गया। मैं मान लेता हूं कि इसमें ये पहली बिट पर एरर आ गया। ओके, कोई भी एक बिट आप मान लो, यानी कि मल्टीपल नंबर ऑफ वेज हैं आंसर ढूंढने के। मैं मान रहा हूं यहां पे एरर है, ऐसा मानने से मैंने इसकी पैरिटी तो ठीक कर दी, यानी कि मैं कह रहा हूं ये 1 भेजा गया था बट रास्ते में 0 हो गया, तो इसकी पैरिटी तो अब ठीक हो चुकी क्योंकि ये हम 1 मान रहे हैं, बट इसे 1 अज्यूम करके हमने इस रो में गड़बड़ कर दी,
यानी कि एक एरर ठीक किया और एक ही एरर क्रिएट कर दिया, ओके अब ये ठीक हो चुका है। बट इसका फायदा ये है कि इसे और इसे एक ही टाइम पे ठीक किया जा सकता है। अब एक रो और एक कॉलम हमारे पास अवेलेबल है जिनमें एरर है, तो इनकी इंटरसेक्शन लो और एक ही बिट को फ्लिप करके हम रो और कॉलम दोनों को सही कर सकते हैं। तो इसकी और इसकी इंटरसेक्शन ये रही, यानी कि हो सकता है ये भी एरोनियस हो। तो इस कॉम्बिनेशन में हमने देखा कम से कम 3 बिट में एरर तो मानना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब आपको यहां से हिंट मिल जाना चाहिए कि आंसर 3 ही आएगा, चाहे आप जिस मर्जी मेथड से इसे सॉल्व करो। यानी कि देखो, इनिशियली 5, 2 और 0, इन तीनों में एरर था और एक इसमें एरर था, ओके। अब आप चाहे कोई और मेथड भी ट्राई कर लो, यानी कि पहले किसी और रो और किसी और कॉलम को उठा लो, तब भी आपको आंसर 3 ही मिलेगा, ओके क्योंकि कम से कम 3 कॉलम्स में तो एरर है ही, है ना। तो क्योंकि 3 कॉलम्स में एरर है तो 3 बिट्स तो फ्लिप हुई ही होगी, और इसे हमने इन्हीं तीनों में एडजस्ट कर लिया। देखो दोबारा से सुनो, मान लो मैं कह रहा हूं ये कॉलम और ये रो को मैं एक ही साथ सही करना चाहता हूं, तो मुझे इस बिट में एरर मानना पड़ेगा। शायद पहले भी यही कॉम्बिनेशन आया था, आई डोंट रिमेंबर, तो देख लो। एनीवेज, यहां पे हमने मान लिया कि इस रो में एरर था इस बिट पर, तो इस बिट को सेंडर ने जब भेजा होगा तब वो 0 हो रही होगी, क्योंकि यहां पे 0 है तो टोटल नंबर ऑफ वंस ये 2 ही हैं, यानी कि इवन, तो इस कॉलम को हमने सही कर दिया। सिमिलरली उसी टाइम पे ये रो भी सही होगी। अब बचे ये 2 कॉलम्स, इन दोनों में से किसी भी कॉलम पर कहीं पर भी एरर मान लो। मैं मान रहा हूं कि यहां पे एरर है, तो ये भेजा गया होगा 1, बट आते आते ये 0 हो गया, ओके अब क्योंकि 2 वंस हैं तो पैरिटी बन गई इवन, ये हमने सही कर दिया। बट इसे सही करने के चक्कर में ये एरर हमने खुद से क्रिएट कर दिया, क्योंकि यहां पे अब क्योंकि ये बिट 1 है तो ओवरऑल पैरिटी ऑड हो गई, ओके अब इसमें और इसमें एरर है, इन्हें एक ही टाइम पे सही किया जा सकता है इस बिट में एरर मान के, ओके तो ऐसे भी आप देख सकते हो आंसर 3 ही आ रहा है, यानी कि आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो आंसर 3 ही मिलेगा, ओके मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, मैक्सिमम आंसर बहुत ज्यादा हो सकता है। यानी कि आप ऐसे मान लो कि इस कॉलम में यहां पे भी एरर था, देखो रिसीव तो हुई है हमें इवन पैरिटी, बट हो सकता है कि यहां पे भी 1 था और यहां पे भी 1 था, ओके और ये 2 बिट्स एक साथ फ्लिप हो गई। अब क्योंकि 1, 2, 3, 4 4 वंस भेजे गए थे इवन पैरिटी, बट 2 फ्लिप होने के बाद 2 वंस बचे, तो यहां पे भी इवन पैरिटी ही रहेगी। मतलब हम पक्का नहीं कह सकते कि इसमें एरर नहीं ही होगा, यहां पे एरर मे और मे नॉट वाला केस आएगा, ओके एरर हो भी सकता है नहीं भी। तो मैक्सिमम के बारे में जनरली पैरिटी के क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं किया जाता, ओके